भी जिस तरह से देखिए मेट्रो में आ रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वंदना मिश्रा है, और ये देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ मेट्रो में लोगों से फिलहाल मिलते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो काम उन्होंने शहर में करे हैं वो दिखा रहे हैं। और ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्ता भारी संख्या में लखनऊ मेट्रो में है। चुनाव का महासमर शुरू हो चुका है, निकाय का नायक कौन है ये तय करने सारे ही दल उतर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, वंदना मिश्रा जी आपके बगल में बैठी हैं, मेयर के कैंडिडेट हैं, लखनऊ मेट्रो में हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, ये लखनऊ के लिए सबसे बेहतरीन, लोगों के लिए मेट्रो बनी, सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट समाजवादी सरकार में तैयार हुआ, और यही अगर काम और तेजी से होता तो आज लखनऊ में मेट्रो का जाल होता, हर कोने से लोग यहाँ पर चल करके जा सकते थे। केवल ये फर्स्ट फेज में जो समाजवादी सरकार में कंप्लीट हुआ था उतना ही कंप्लीट है, अगर सरकार चाहती तो पूरे लखनऊ का एक रिंग बना करके सेकंड फेज थर्ड फेज पूरा हो गया होता, तो जो सड़कों पे गाड़ी चल रही है, सड़कों पे दिन प्रतिदिन जाम लग जाता है, उससे बचते। ये एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, महिलाओं को एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता, एयर कंडीशन है, आपको आना जाना आसान होता, इसकी कॉस्ट भी कट डाउन होती, ये मेट्रो प्रॉफिट में भी आती। लेकिन इस सरकार ने काम नहीं किया, उसका परिणाम ये है कि जितना समाजवादी सरकार में मेट्रो का काम हुआ उतना ही हुआ है, उसके आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। सवाल पहला यही है कि लखनऊ के विकास के लिए जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है वो दिखाई दे रहा है, इसीलिए बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। आज जो लखनऊ में कूड़ा पड़ा है, लखनऊ में जो गंदी नालियां हैं, गलियां हैं, जिस तरह से जल भराव है, या सड़कों पे जानवर हैं, ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाए, ये तमाम चीजें सरकार की देन हैं। और तब जब इन्होंने स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लिया हो, झाड़ू लेकर के ये निकले हो, उसके बावजूद भी लखनऊ और शहर साफ नहीं। रैली कर रहे हैं, सीएम कई जगह जा रहे हैं, डिप्टी सीएम कहीं जा रहे हैं, टक्कर कितनी मान रहे निकाय चुनाव? देखिए, टक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, और काम नहीं किया है इसलिए तमाम वो मुद्दे बोल रहे हैं जो शहरी आबादी के मतलब के नहीं है। आपने शहरों में ट्रैफिक जाम से क्यों नहीं निजात पाया? आपके शहरों में जानवर कैसे घूम रहे हैं? कुत्ते से लोगों की जान जा रही है। आप कूड़ा नहीं हटा पाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए, धूल धक्कड़ इतना शहरों में कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पीने का पानी नहीं दे पाए हैं, तो आखिर आपने क्या सुविधाएं दी हैं? और स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल स्मार्ट सिटी है, नाम है केवल, लेकिन उसमें जो काम होने थे वो काम नहीं किया सरकार ने। सीएम ने तंज का साहब ने कहा छोटा चुनाव है, सीएम ने कहा बड़ा चुनाव है, इसको कैसे देखें? देखिए, सीएम लोग भी सर से देखिए मेट्रो में आ रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वंदना मिश्रा है, और ये देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ मेट्रो में लोगों से फिलहाल मिलते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो काम उन्होंने शहर में करे हैं वो दिखा रहे हैं। और ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्ता भारी संख्या में लखनऊ मेट्रो में हैं और यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। और अखिलेश यादव नसीहत दे रहे हैं कि मेट्रो से दूर रहें क्योंकि मेट्रो से करीब रहना भी खतरनाक है, तो ये नसीहतें भी लगातार दी जा रही हैं। अखिलेश जी, तो अखिलेश जी क्या कहेंगे सर? आइए, तुम्हें किससे रोका है, धक्का मार के आ जाओ। क्या कहेंगे सर बयान पर, सीएम ने जो बयान दिया? क्या बयान दे रहे हैं उनसे बताओ, मेट्रो क्यों नहीं पूरा किया? भाई, मुख्यमंत्री जी ये बताएं, जिस शहर से वो खुद आते हैं और जिस शहर में से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वहाँ मेट्रो क्यों नहीं बनाई? छोटे बड़े चुनाव का सवाल नहीं है ये, मुख्यमंत्री जी ने जो काम नहीं किया है। गोरखपुर में इस बरसात में भी लोगों को नाव में चलना पड़ेगा, मेट्रो नहीं मिली उन्हें। अगर मेट्रो का काम किया होता तो शायद गोरखपुर के लोग भी चल लेते। कानपुर में मेट्रो समाजवादियों की देन है, आगरा में मेट्रो समाजवादियों की देन है, गाजियाबाद में मेट्रो एक नेताजी के समय पर शुरू की गई, उस समय की नेताजी की देन है। तो तमाम शहरों को सुविधा देना, और आज इकाना में इंटरनेशनल मैच हो रहा है, आईपीएल किसकी देन है? आज आईपीएल लखनऊ में इसलिए संभव हुआ क्योंकि समाजवादी लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया।